नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स में। मित्रों, आपने 64 कलाओं और अष्ट सिद्धि के बारे में जरूर सुना होगा। इनसे कुछ अलग प्राचीन काल से ही भारत में कई ऐसी विद्याएं प्रचलन में रही हैं, जिन्हें आधुनिक युग में अंधविश्वास या फिर काला जादू बोलकर खारिज कर दिया गया। लेकिन अब इन्हीं विद्याओं पर जब पश्चिमी वैज्ञानिकों ने शोध किया, तब पता चला कि इनमें कुछ कुछ सच्चाई भी है। मित्रों, आज भी ऐसी रहस्यमय विद्याएं हैं जिनसे व्यक्ति चमत्कारी शक्तियां प्राप्त कर सकता है, या वह अपनी किसी भी तरह की इच्छा को पूरी कर सकता है, या फिर वह किसी को अपने वश में कर सकता है। मित्रों, आज मैं आपको कुछ ऐसी ही रहस्यमय और खतरनाक विद्याओं के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए जानते हैं वे विद्याएं कौन कौन सी हैं। नंबर एक पर आती है सम्मोहन विद्या। सम्मोहन मतलब हिप्नोटिज्म। मित्रों, यह प्राचीन काल की ही प्राण विद्या का एक हिस्सा है। सम्मोहन के बारे में हर कोई जानता है। सम्मोहन विद्या को प्राचीन समय में प्राण विद्या या फिर त्रिकाल विद्या के नाम से जाना जाता था। सम्मोहन का अर्थ आमतौर पर वशीकरण मतलब किसी को वश में करना माना जाता है, परंतु यह सम्मोहन की छवि गिराने वाली बात है। मन के कई स्तर होते हैं, उसमें से एक है आदिम आत्म चेतन मन। आदिम आत्म चेतन मन ना तो विचार करता है और ना ही कोई निर्णय लेता है। और एक होता है उक्त मन। उक्त मन का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। यह मन हमें आने वाले खतरे से बचने के तरीके बताता है। यह मन लगातार हमारी रक्षा करता रहता है। हमें होने वाली बीमारी की यह हमें 6 माह पहले ही सूचना दे देता है, परंतु अहंकार के चलते हम उक्त मन को अनसुना कर देते हैं। उक्त मन को साधना ही सम्मोहन कहलाता है। यह मन आपकी हर तरह की मदद करने को तैयार होता है, बस आप इसके प्रति समर्पित रहें। यह किसी के भी अतीत और भविष्य को जानने की क्षमता रखता है। यह आपके साथ घटने वाली घटनाओं के प्रति आपको सजग कर देता है, जिसके कारण आप बुरी घटनाओं को टालने के उपाय खोज सकते हैं। आप स्वयं की ही नहीं बल्कि दूसरों की बीमारी दूर करने की भी शक्ति हासिल कर सकते हैं। सम्मोहन द्वारा मन की एकाग्रता वाणी में प्रभाव से व्यक्ति अपने संकल्प को पूरा कर लेता है। सम्मोहन द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना, दूसरे की मन की बात जान लेना, अदृश्य वस्तु या फिर आत्मा को देखना तथा दूर स्थित दृश्यों को जाना जा सकता है। नंबर दो पर आता है प्लेन चिट। मित्रों, साल 1853 में अध्यात्मवादी एलन कार्डेक ने कथित तौर पर परलौकिक शक्तियों से संपर्क साधने के लिए प्लेन चिट यंत्र का आविष्कार किया था। लेकिन इस तरह की विद्या भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलन में है। यह आत्माओं को बुलाने का विज्ञान है। कुछ आत्माएं जिन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई है, वे प्लेन चिट के माध्यम से आपको भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों की जानकारी दे सकती हैं। आप उनसे अपनी परेशानी का हल भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें खतरा बहुत है। फिल्मों में भी आपने रहस्यमयी माहौल में आत्माओं को बुलाते जरूर देखा होगा। आपने विया बोर्ड मूवी जरूर देखी होगी, जो कि इसी प्लेन चिट विद्या पर आधारित थी। आप इसके माध्यम से आत्माओं से अपना भविष्य या फिर गड़े धन के बारे में भी जान सकते हैं। नंबर तीन पर आता है पानी या फिर वस्तु खोजने की विद्या। ऐसे भी कई व्यक्ति हैं जो आंखें बंद करके किसी की भी खोई हुई वस्तु का पता लगा सकते हैं। यह काम वे आत्म सम्मोहन के जरिए करते हैं। यही काम आजकल पेंडुलम डाउजिंग के माध्यम से किया जाता है। हमारे अवचेतन मन में वह शक्ति होती है कि हम एक ही पल में इस ब्रह्मांड में कहीं भी मौजूद किसी भी तरंगों से संपर्क साध सकते हैं। सारा ब्रह्मांड तरंगों के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़ा है। उन तरंगों के माध्यम से हम जो जानना चाहते हैं, जैसे जमीन के अंदर पानी खोजना या फिर कोई भी खोई हुई वस्तु को खोजना, ही डाउजिंग कहलाता है। डाउजिंग किसी भी छुपी हुई वस्तु को खोजने वाली विद्या है। Why don't okay. you do it? Hold the string between your thumb and your forefinger. Just yeah. hold it. Uh-huh. Rest your elbow comfortably on your thigh. Uh-huh. Oh boy. Okay. Yeah. Rest it comfortably. I'll hold it still. Now, just while you're holding that still, mentally have the idea it's moving back and forth. Mentally have the idea that it's moving. Okay? Don't worry, it'll start moving. It'll start moving wider and wider. See, it's already doing that. Okay? In any direction you want.
there you are. Now, once it's doing that, just change the idea in your mind. Instead of swinging it like that, it's going to start swinging like this in a different direction. Oh, my mentally. Heavens. See? Now, mentally have the idea that it's going to start making circles. Just mentally have the idea. It's going to start making circles. There you are. See? Circles. Now bigger and bigger circles. There you are. Oh, my heavens. Okay. I didn't think I could do it. I was feeling a lot of pressure here. Okay. Well, listen. Now, I can't believe it's doing it. Yeah. And now have the idea that it's going to reverse the circle. So if it's making... Oh, no. Number 4 पर आता है चौकी बांधना. मित्रों, आपने ऐसा जरूर सुना होगा कि जहां पर कोई खजाना होता है, वहां कोई ना कोई सांप या फिर अदृश्य शक्ति जरूर होती है. ये सब सिर्फ चौकी बांधने की वजह से ही होता है. मित्रों, चौकी बांधने का काम आजकल बंजारे या फिर आदिवासी लोग करते हैं. वे अपने जानवर या फिर बच्चे की रक्षा के लिए उसके आसपास छड़ी से एक गोल लकीर खींच देते हैं, फिर कुछ मंत्र बोलकर चौकी बांध देते हैं. उनके इस प्रयोग से इस गोले में कोई भी बिच्छू, जानवर या फिर कोई बुरी नियत वाला व्यक्ति नहीं आ सकता. यही प्रयोग लक्ष्मण जी ने सीता माता की सुरक्षा के लिए भी किया था, जिसे आज लक्ष्मण रेखा कहा जाता है. दरअसल चौकी बांधने का प्रयोग कई राजा महाराजा अपने खजाने की रक्षा के लिए भी करते रहे हैं. आज भी उनका खजाना इसी वजह से सुरक्षित भी है. चौकी बांधने के कई तरीके होते हैं. चौकी किसी भी देवी देवता, नागराज, भैरव या फिर 10 महाविद्याओं की भी बांधी जा सकती है. कुछ लोग तो भूत प्रेत की भी चौकी बांध देते हैं. माना जाता है कि चौकी बंधे हुए खजाने को यदि कोई चुराने की कोशिश करता है तो उसका सामना नाग या फिर भूत प्रेत से होता है. नंबर 5 पर आता है मंत्र, तंत्र और यंत्र. तंत्र शास्त्र भारत की एक प्राचीन विद्या है. मंत्र की शक्ति से कई तरह के कार्यों को संपन्न किया जा सकता है और उसी तरह यंत्र से भी मनचाही इच्छा की पूर्ति होती है. मंत्रों में तांत्रिक और साबर मंत्र को सबसे असर कारक माना गया है. यंत्र कई प्रकार के और कार्यों के लिए होते हैं, जैसे लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यंत्र, युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु यंत्र. कई लोग अपने संकट को दूर करने और जीवन में धन प्राप्ति, नौकरी, स्त्री और प्रसिद्धि पाने के लिए किसी यंत्र, मंत्र या फिर तंत्र का सहारा लेते हैं. यह कितने सही हैं, यह तो शोध का विषय है, लेकिन लोग इन पर विश्वास करते हैं. मंत्र की शक्ति के बारे में हर धर्म के ग्रंथों में लिखा है. हिंदू ग्रंथों में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, बजरंग बली जी के मंत्र के अलावा अथर्ववेद में कई सिद्ध और शक्तिशाली मंत्रों का उल्लेख है. नंबर 6 पर आती है प्राण विद्या. मित्रों, प्राण विद्या सबसे कुशल और श्रेष्ठ विद्या है. प्राण विद्या के अंतर्गत त्रिकालदर्शिता, सम्मोहन, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलना, पूर्व जन्म का ज्ञान होना, दूर दृश्य को देखना आदि अनेक विद्याएं इसमें शामिल हैं. इसके अलावा प्राण विद्या के आज हम कई चमत्कार देखते हैं, जैसे कोई भूत भविष्य बताने में सक्षम है तो कोई नजर बांध कर जेब से नोट गायब कर देता है. इसी प्राण विद्या के बल पर कोई किसी को स्वस्थ कर देता है. इसके अलावा ऐसे हैरत अंगेज कारनामे जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, उसे करके लोगों का मनोरंजन करना, यह सभी भारतीय प्राचीन विद्या से ही संभव हो पाया है. आज भी वास्तु और ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको हैरत में डाल सकते हैं. मित्रों, इन्हें आज वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास किया जा रहा है. दोस्तों, मेरे पास बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी. आज की वीडियो में बस इतना ही. वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना. जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. मिलेंगे अगली ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियो में. वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव.